दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको होममेड गुलाब जामुन बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एकदम फुले फुले सॉफ्ट बने हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 कप चीनी और 2 कप पानी ले लिया है और इसमें अच्छे से डाल दिया। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसमें 1 चम्मच ऊपर से दूध डाल दें, सारा डस्ट निकल जाए चीनी का। और आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दें, और नहीं है तो हरी इलायची को कूट के और डाल दें। और जब तक वो तार वाली चाशनी नहीं बन जाती है तब तक आप लोग गैस पर से नहीं उतारे, जब ये हो जाए तब इसको उतारे। तो मैंने 1 केजी दूध का ले लिया है खोया। मैंने ये खोया कोई मार्केट से नहीं लिया है, मैंने ये होममेड बनाया है घर पे। तो ये पूरा होममेड खोया 1 केजी दूध का। अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में भी 2 केजी का भी बना सकते हैं। तो मैंने तो 1 केजी का बनाया है। तो इसको अच्छे से 5 मिनट तक विस्क कर लें, क्योंकि इसमें सारे जो लंग्स वगैरह हो गए खोया में तो रहते, तो इसको हथेली से तो मल नहीं सकते, तो इसको अच्छे से लंग्स वगैरह सबको दूर कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा, क्योंकि ज़्यादा मैदा मुझे डालना नहीं है। उसके बाद 1 चम्मच थोड़ी सी मतलब बेकिंग पाउडर डालेंगे, खाने वाला सोडा। उसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से सॉफ्ट डो एक तैयार कर लेंगे, जिससे मेरा ज़्यादा टाइट डो नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े पीस बनाए थे, आप लोग चाहते इसे छोटे बना सकते हैं। और इसे हल्के आंच पे एकदम तलना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मीडियम फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम धीमे आंच पे रखना है, ताकि आपके गुलाब जामुन अंदर से पके होंगे। तो इसको हल्के फ्लेम पे इसको तलना है। तो ये देख सकते हैं मेरे गुलाब जामुन साइज़ के डबल हो चुके हैं, और ये गुलाब जामुन बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो ये इसको अच्छे से कलर आने तक इसको रेडी कर ले। इधर देख सकते हैं हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी थी। तो इसको अच्छे ज़्यादा ब्लैक ना करें, नहीं तो जला जला टाइप का लगेगा। आपको रेड टाइप का कर लेना है इसको अच्छे से। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, और प्लीज़ मैं आप लोग से बोलती हूँ मुझे सपोर्ट करें। तो ये तब तक मेरे गुलाब जामुन हो चुके थे, तो इसको अच्छे से चाशनी में डिप कर देना। और इसको तुरंत नहीं खाना, इसको लगभग आप आधा घंटे के बाद खाइएगा, तो देखिएगा आपका गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग, मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच।